टॉपिक को कवर करेंगे कि बच्चों को फॉर्मूलाज को रिकॉलिंग कैसे करें। नॉर्मली लोग कहते हैं कि हम लोग जैसे ही बिग फ्रेंड कराते हैं तो स्मॉल फ्रेंड के बच्चे फॉर्मूलाज को भूलने लगते हैं। बच्चे एडिशन करते समय बच्चों को ये याद नहीं आता है कि कौन सा फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो आज के हमारे टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूलाज को कैसे मेंटेन कराएं, बच्चों को स्पीड कैसे मेंटेन कराएं और लेवल वन कंप्लीट हो जाए तो बच्चों को बेसिक जरूर कराएं। बेसिक का मीन्स होता है किसी एक सिंगल डिजिट को अगेन एंड अगेन प्लस करना। जैसे आपने बच्चों से कहा प्लस टू, अब बच्चों से बोलेंगे कि हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं विद अबेकस, विदाउट अबेकस नहीं, विद अबेकस आपको प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू करता जाना है, यानी टेबल बनती जानी है। और फिर जो भी आंसर आए उसमें से माइनस टू माइनस टू माइनस टू, यानी एक ही नंबर को पर्टिकुलर टाइम तक अगेन अगेन प्लस करना या अगेन एंड अगेन रिपीटेबल माइनस करना, दैट इज कॉल्ड बेसिक। तो 1 से लेकर 9 तक आप उन्हें एडिशन एडिशन फिर माइनस माइनस यानी बेसिक कराए, कंटिन्यूस एक नंबर को प्लस कराए। इससे बच्चों को फॉर्मूला रिकॉलिंग में मदद करेगी। अब बेसिक सबसे सूटेबल सबसे अच्छा तरीका होता है जिससे बच्चों को फॉर्मूला रिकॉलिंग में भी मदद मिलती है तो साथ में बच्चों का स्पीड भी बनता है। तो बेसिकली हम लोग देखते हैं कि अगर आप प्लस टू करते जाएंगे तो एक बार तो डायरेक्ट होगा, थर्ड टाइम आपको स्मॉल फ्रेंड लगेगा, फिर अगेन बिग फ्रेंड लगेगा। यानी एक ही नंबर को बार बार प्लस करने से हर डिजिट के बाद फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जैसे 6 में अगर आपको 6 प्लस करना है तो कॉम्बिनेशन का यूज होगा, फिर अगेन 6 प्लस करना है तो डायरेक्ट हो जाएगा, फिर एक बार विक फ्रेंड का यूज होगा। यानी एक ही नंबर को अगेन अगेन प्लस करने से फॉर्मूलाज भी बार बार चेंज होता है। तो बच्चों को अगर बोलोगे कि आपको 1 मिनट में मैक्सिमम आपको प्लस करना है तो बच्चों को तुरंत फॉर्मूलाज को भी यूज करना पड़ेगा। तो 4 में प्लस 4 करना है तो स्मॉल फ्रेंड का यूज होगा, फिर अगेन प्लस 4 करना है तो हम देखेंगे डायरेक्ट ही हो जाएगा, अगेन करेंगे बिग फ्रेंड से होगा। यानी कभी तो बिग फ्रेंड लगेगा, कभी स्मॉल फ्रेंड लगेगा, कभी डायरेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार 4 तक आप लोगों को स्मॉल फ्रेंड बिग फ्रेंड और डायरेक्ट का यूज होगा, और 5 को प्लस करने के लिए या तो वो डायरेक्ट हो जाएगा या फिर बिग फ्रेंड का यूज होगा, और 6, 7 और 8, 9 को प्लस करने के लिए डायरेक्ट बिग फ्रेंड या कॉम्बिनेशन का यूज होता है। तो जैसे ही आपका लेवल 1 कंप्लीट होने को आए तब आपका इसको प्रैक्टिस कराना है, क्योंकि लेवल 1 से अगर कंप्लीट होने से पहले बेसिक का प्रैक्टिस कराओगे तो फिर कॉम्बिनेशन के सवाल तो बच्चे नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जैसे ही लेवल 1 कंप्लीट होता है तो 2 से लेकर 9 तक का आप कंटिन्यूस एडिशन कराएं। ज़रूरी नहीं कि 10 टाइम्स ही हो, ज़्यादा भी हो सकता है 1 मिनट तक। और इसके बाद आपको 11, 11, 11 फिर 22, 22 जिस प्रकार 9 तक सेम नंबर को एडिट किया था, इस प्रकार 99 तक आपको एक नंबर का टेबल बनवाना है और टाइम दे के रखना है ताकि स्पीड मेंटेन हो। लेकिन ये कब से स्टार्ट करना है, जब आप लेवल 2 का मिड लेवल हो जाए, यानी जब हाफ सेकंड लेवल कंप्लीट हो जाए तब आपको डबल डिजिट लेना है, क्योंकि आपका 4 या 5 क्लासेज अगर लेवल 2 की हो जाए ना उसके बाद आप बेसिक को स्टार्ट कीजिएगा। इसके साथ एक को इसके बाद कंटिन्यूस नंबर भी कराना है, जैसे +1, +2, +3, +4, +5, +6 कहाँ तक 50 तक। तो आपको कंटिन्यूस नंबर भी कराना है 50 तक, और आप चाहें तो स्टार्टिंग में 20, 30 भी ले सकते हैं, लेकिन इसे धीरे धीरे 100 तक इंक्रीज करना होता है लेवल 2 के एंड तक। तो इस प्रकार आप एक ही नंबर को अगेन अगेन प्लस कराएं और ये आपका बेसिक का मेथड होता है।